नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल भरत संजीवनी में। गुरु के आते ही जीवन में नए आयाम प्रवेश कर जाते हैं। एक जन्म शरीर का है जो माँ बाप देते हैं, और दूसरा जन्म आत्मा का जो गुरु देता है। ऐसे ही एक महान गुरु हमारे जीवन में भी है, जिन्हें हिमालय की आत्मा कहा जाता है। क्रिया योग के महानतम सिद्ध श्री महा अवतार बाबा जी। बाबा जी का जन्म 30 नवंबर 203 ईस्वी में परांगीपेट्टे तमिलनाडु भारत में हुआ। बाबा जी के माता पिता शिव भक्त थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम नागराज रखा। एक बार की बात है, बचपन में बाबा जी मौत के मुंह से निकले। उसके बाद बाबा जी सांसारिक बंधनों से विमुक्त हो गए। फिर उनका अपहरण हो गया। जिसने बाबा जी का अपहरण किया था, उसने बाबा जी को दास बनाने के उद्देश्य से कोलकाता में सेवक के तौर पर बेच दिया। और जिन्होंने बाबा जी को खरीदा, वह बहुत दयालु किस्म के थे। उन्होंने बाबा जी को आज़ाद कर दिया। वहाँ से मुक्त होने के बाद बाबा जी साधु संतों के साथ रहने लगे। एक दिन सत्संग में बाबा जी ने ऋषि अगस्त की महिमा सुनी, तो उनके हृदय में उनके दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत हुई। कुछ समय के बाद ऋषि अगस्त के शिष्य भोगरनाथ बाबा जी से मिले। अपने प्रिय गुरु के शिष्य भोगरनाथ जी को ही उन्होंने अपना गुरु मान लिया और उनके आदेश के अनुसार कठोर साधना में लीन हो गए। बाबा जी जब साधना करते थे तो मंदिरों के घंटे, मंजीरे और ढोल अपने आप बजने लग जाते थे। ऐसी साधना देख संत भोगरनाथ ने उन्हें अपने गुरु अगस्त मुनि से मिलने को कहा। अगस्त मुनि महा तपस्वी थे, उन तक पहुंचने का कोई मार्ग न था सिवाय प्रार्थना के। इधर बाबा जी निरंतर कठोर साधना करते और मन में ऋषि अगस्त मुनि से ये प्रार्थना करते कि वह उन्हें दर्शन दे। अगस्त मुनि के दर्शन के लिए बाबा जी ने इतनी कठोर साधनाएं की कि उनका शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा ही रह गया। इधर अगस्त मुनि बाबा जी से प्रसन्न हो गए और उन्हें सुपात्र जान क्रिया योग की शिक्षा दी। ऋषि अगस्त मुनि ने अपनी सारी शक्तियों को शक्तिपात के माध्यम से बाबा जी को दे दिया। फिर बाबा जी एकांत साधना के लिए हिमालय के बद्रीनाथ क्षेत्र में आ गए। अब बाबा जी साधक से सिद्ध बन चुके थे। उन्होंने कहा, मैं इस भौतिक शरीर का परित्याग नहीं करूँगा और समय समय पर उच्च कोटि के संतों का मार्गदर्शन करूंगा। बाबा जी के शरीर पर आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाबा जी ने अपना संपूर्ण जीवन मानव मात्र के कल्याण के लिए अर्पण कर दिया। बाबा जी के शिष्य परंपरा में महानतम सिद्ध आते हैं। आधुनिक काल में सबसे पहले लाहड़ी महाशय ने बाबा जी से भेंट की। एक दिन श्यामाचरण लाहड़ी एक निर्जन पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे, तो किसी ने उनका नाम पुकारा, लाहड़ी रुको। जब उन्होंने समीप देखा तो एक सन्यासी पास खड़े थे। वह महा अवतार बाबा जी थे, जो लाहड़ी महाशय के पिछले जन्म के गुरु थे।
उन्होंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। उसी रात द्रोणागिरी पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में महाअवतार बाबा जी ने लाहड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी और कहा, इस शिक्षा को तुम दूसरों तक पहुंचाओ। उत्तराखंड के अल्मोड़ जिले में बाबा जी की पवित्र गुफा आज भी है, जो सदैव सिद्धों और महापुरुषों की ध्यान स्थली रही है। बाबा जी के चमत्कारी शक्तियों के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। एक बार एक युवक ने उनका शिष्य बनने की हट की। बाबा जी के मना करने पर उसने पहाड़ से कूदने की बात कही। बाबा जी उसकी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने कहा, कूद जाओ, और वह सच में कूद गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब बाबा जी ने उसके शव पर अपना हाथ रखा तो वह पुनः जीवित हो गया और बाबा जी ने उसे अपना शिष्य बना लिया। दूसरी घटना यह है कि बाबा जी अपने शिष्यों के साथ धुने के पास बैठे थे। धुने में से एक जलती हुई लकड़ी को बाबा जी ने अपने शिष्य के कंधे पर दे मारी। जब उनके शिष्यों ने इसका कारण पूछा तो बाबा जी बोले, आज इसकी मृत्यु को मैंने टाल दिया है। बाद में बाबा जी ने अपने शिष्य के कंधे पर हाथ फेरकर जख्म को ठीक कर दिया। महाअवतार बाबा जी ने साधु भोलानंद को जुलाई 2007 में गुप्त काशी के पास स्थित काली मठ के पास दर्शन दिए थे। पुणे के गुरुनाथ भी महाअवतार बाबा जी से मिल चुके हैं। उन्होंने बाबा जी पर एक किताब भी लिखी है। S.A.A. रमैया को बाबा जी ने 144 क्रियाओं की शिक्षा दी। लाहड़ी महाशय हमेशा बाबा जी को कृष्ण का अवतार कहते थे। योगानंद भी अक्सर बाबा जी कृष्ण कहकर प्रार्थना करते थे। पवित्र भूमि हिमालय वैदिक काल से ही सिद्धों का तपस्वी स्थल रहा है। दुनिया आज कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो गई हो, भारत के ऋषि मुनि योगी और भारत के वैदिक ज्ञान के सामने पीछे ही है। दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।